हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ अब नए साल में मिलने की उम्मीद। शिक्षा विभाग ने जुलाई में ही भेजी फाइल वित्त विभाग में अटकी। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद ही वेतन वृद्धि का लाभ। 1 अप्रैल 2021 ही पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से बहाल शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग को इस पर गाइडलाइन के लिए फाइल भेजी है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। संजय कुमार का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, जिसमें राज्य के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका 1 अप्रैल से जो 15% वेतन वृद्धि हुआ था सो अभी तक नहीं मिला है और अब मिलने की उम्मीद जो है वो नए साल में मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने वेतन वृद्धि पर गाइडलाइन के लिए जुलाई में ही वित्त विभाग को फाइल भेजी है। वित्त विभाग की गाइडलाइन के आधार पर जिलों में से शिक्षकों के वेतन वृद्धि की रिपोर्ट मिलेगी। ऐसे में अनुमान है कि अगले साल 2022 में ही शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतन वृद्धि का लाभ एरियर के रूप में मिलेगा। पंचायत और नगर निकाय के विभिन्न नियोजन इकाइयों से बहाल शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को मूल वेतन में 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलना है। गाइडलाइन के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेजी है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेजी है, लेकिन वहाँ जाके फाइल अटक गई है। तो अब लग रहा है कि नए साल में ही 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिले और साथ ही एरियर भी, जो अप्रैल से जब तक नहीं मिल रहा है तब तक का बनेगा और एरियर भी मिलेगा। ठीक है।